का पूरा गियर बॉक्स मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो देखे P4 पार्किंग है, R से रिवर्स है, N से न्यूट्रल है और ये ड्राइव मोड है। और इसमें गाड़ी में आपको लो भी देखने के लिए मिलेगा जैसे ट्रैक्टर में होता है ना। ये शानदार अलॉय व्हील्स, ये कातिलाना अदाएं, भाई साहब अदाएं ही कहेंगे, एक टाइम पे ये गाड़ी हर किसी हिंदुस्तानी के दिल पे राज करती थी और हर कोई इस गाड़ी को खरीदना चाहता था। लेकिन 2023 के अंदर इस कंडीशन की ये गाड़ी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ब्लूटूथ वाला इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा और इतना शानदार नीट एंड क्लीन इंटीरियर और साथ में पावर स्टीयरिंग अलग से स्पोर्ट्स कार जैसा यहां पे इंस्टॉल कराया गया है। भाई साहब 2023 में ये 1993 मॉडल की इतनी साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी रखना अपने आप में एक जंग जीतने के बराबर है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्पेशल ऑटोमेटिक वेरिएंट मारुति सुजुकी 800 के बारे में, इसके स्पेशल ओनर मिस्टर सलमान जी से कि उन्होंने इस गाड़ी को मेंटेन करने में कितने रुपये खर्च कर दिए और भाई साहब ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस कैसा निकाल के देती है, पुलिस तो नहीं रोकती है और कागज कंप्लीट कराने में कितना खर्चा आया है, सामान मिलने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, सारी बातें करने के लिए चले सीधे चलते हैं हम सलमान भाई के पास। उन्हीं से पूछेंगे कि भाई क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं एक इतनी पुरानी गाड़ी को मेंटेन रखने में। तो दोस्तों गाड़ी तो आपको दिखा दी है, अब इसके स्पेशल ओनर से आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ है सलमान भाई। सलमान भाई एक बार अपना परिचय दे दीजिए पूरा। सर मेरा नाम सलमान है, अपना हॉस्पिटल है मवाना में, न्यू सिटी हॉस्पिटल, और मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। लगभग मुझे इस गाड़ी को लिए हुए 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल से भाई साहब गाड़ी रखते हैं, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं सलमान भाई के जर्नी कैसे, मतलब मिली कैसे आपको ये गाड़ी। मैं आपको बहुत इंटरेस्टेड बात बताने वाला हूँ। हमने रात्रि में ये करीब 8 बजे के टाइम हमने इसको ओलेक्स पे देखा और मैं और मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको अभी लेने चलें क्योंकि ओलेक्स पे आपको पता है कभी भी कुछ भी चीज़ एकदम सेल हो जाती है। अच्छा कितने रुपए डिमांड कर रखी थी और कहाँ पे थी मतलब गाड़ी उस टाइम? तो इसकी डिमांड ये समझो बिल्कुल जीरो थी हमारे सामने, लगभग 50K के आसपास इसकी डिमांड थी और हमारे घर से लगभग 120 किलोमीटर ये थी गाड़ी। लेकिन हमने रात में अपनी गाड़ी उठाई और हम इसको लेने के लिए निकल गए क्योंकि हमने देखा ये ऑटोमेटिक वर्जन था, हमने भी फर्स्ट टाइम देखा मारुति 800 में ऑटोमेटिक वर्जन कहाँ मिलता है, तो हम रात में इसको लेने पहुँच गए। जितने उन्होंने मांगे हमने उसके हाथ पे रखे और लेके आ गए। कितने मांगे थे उन्होंने? 52 बोले थे, हमने 50 दिए, हम लेके आ गए। वेरी गुड। और मतलब मैं आपको बता दूं 93 मॉडल है ना ये? 93 मॉडल है और इसकी हमने अभी फिटनेस भी कराई हुई है, ये वैलिड है अभी 5 ईयर इसके और बाकी हैं। हाँ वो तो चलने लायक है तो फिटनेस तो इसकी बनती रहेगी। आगे जो सवाल आता है मतलब तब ली थी आपने, किस कंडीशन में थी? इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत, वैसे तो ओरिजिनल थी गाड़ी लेकिन हमने थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा काम कराया हुआ है और जैसे इसका बम्पर वगैरह हमने चेंज कराया था तो ये यहाँ तो मिला नहीं, इसको ढूंढने में काफ़ी समस्या हुई। फिर हम दिल्ली गए, इसका दिल्ली से सामान लेकर आए, वहाँ इजिली मिल गया इसका सामान दिल्ली के अंदर, यहाँ तो नहीं मिल पाया। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में कश्मीरी गेट पर इसका सब सामान अवेलेबल है। अच्छा, तो हमने इसमें काफ़ी काम कराया, जैसे अलॉयस हमने इसमें डलवाए हैं, ये भी हम दिल्ली से लाए थे और आगे पीछे के बम्पर चेंज कराए हमने, बाकी गाड़ी ओरिजिनल थी ऐसी। अच्छा मतलब कोई फोटो वगैरह है उस टाइम का इसका जब आपने ली थी? फोटोज होगा मेरे लैपटॉप में, मैं देख लूंगा, अगर मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। मिलता है तो हम आपको अभी यहीं पे चिपका देंगे उस फोटो को, देखना। और भाई साहब खर्चा टोटल कितना है इसमें? खर्चा इसमें लगभग ये मान लीजिए, देखो फिटनेस भी कराई है मैंने इसकी क्योंकि अभी नहीं 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 सलमान भाई फिटनेस नहीं, आप उसका बताइए जो इंटीरियर एक्सटीरियर आपने कराया इसमें कितना? अप्रोक्सीमेटली ये मान लीजिए 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मेरा टोटल खर्चा इसमें आ गया। अब बात करते हैं फिटनेस वाली, जैसे ये गुजरात नंबर रजिस्टर्ड थी ना? ये गुजरात नंबर रजिस्टर्ड थी, इसको हमने देहरादून में रजिस्टर्ड कराया और हमने उनसे ये भी बोला था कि हमें लेटेस्ट चाहिए जो इसकी अभी चल रही है। अच्छा। जो इसका नंबर है ये 2021 मॉडल का नंबर है जो अभी वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया था। तो गुजरात से NOC हुई इसकी पहले, फिर आपने देहरादून में इसको रजिस्टर करा रखा है अभी? बिल्कुल, ये देहरादून में रजिस्टर्ड है और वहाँ पे हो जाती है फिटनेस। मतलब हाँ ये तो दिल्ली NCR में ना 15 साल वाला पंगा जो है। अभी सलमान भाई जब आपने रजिस्टर वहाँ से NOC कराई तो देहरादून में इसको री रजिस्टर्ड कराने का, फिटनेस कराने का, वो कितना खर्चा आया था? अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार रुपये हमारे इस काम में लगे हैं टोटल। मतलब जो RTO वाला खर्च, जो RTO का खर्चा है वो अलग है, जो बॉडी लाइन का खर्चा है वो अलग है, RTO में 20 से 25 हज़ार रुपये हमारे इसमें लगे हैं। वेरी गुड। अच्छा भाई एक बात और पूछें, बेचना चाहोगे इसे? नहीं बेचना चाहते तो इतना खर्च क्यों करते, ये अपने लिए शौक के लिए ली हुई है। यूजुअली होता क्या है भाई, लोग मतलब पूछते हैं ऐसे, कई लोगों ने पूछा होगा ऐसे।
हाँ खूब पूछते हैं, जैसे हम जाते हैं रास्ते में लेकर के गाड़ी को, कोई लोग रोक लेते हैं, फोटो भी लेते हैं इसके साथ के भाई इतनी पुरानी गाड़ी, एंटिक पीस है, आप खुद ही देखिए एंटिक पीस है। हमें भी रात को मिल गए डॉक्टर साहब एक दिन, भाई साहब हमने भी जबरदस्ती जिद करके पीछा छोड़ा नहीं, भाई साहब वीडियो जरूर करनी है इसकी, तो जरूर करनी है, लोगों को दिखानी है, क्योंकि देखो एंटिक चीज है, 93 मॉडल है, आज के टाइम में इतनी साफ गाड़ी नहीं मिलती, लोग देख के रुक जाते हैं कि भाई हाँ भाई कोई केयर करके रखी हुई चीज। जब आपकी गाड़ी ओरिजिनल है, आपको मैं अंदर से दिखाऊंगा, आप देखना इसको कितनी अच्छी है, अंदर टाइम लेना, हाँ चला के देखेंगे बिल्कुल भाई के साथ। अच्छा सलमान भाई, माइलेज कितना निकाल के दे रही है भाई? माइलेज अगर हम इसको हाईवे पे चलाते हैं तो लगभग 15-20 के आसपास दे देती है, लोकल में तो कम ही रहता है, ऑटोमेटिक है, फिर ऑटोमेटिक का माइलेज कम ही होता है। कार्बोरेटर वाला इंजन है ना इसके? कार्बोरेटर वाला इंजन है। अच्छा सर्विस वगैरह जब कराते हैं तो कितना खर्चा आता है अभी सर्विस में? सर्विस में इसकी लगभग 2,000-2,500 रुपए के समथिंग इसमें खर्चा आ जाता है, बस वही अपना ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और बस यही सब डलता है और कुछ, क्योंकि मारुति का देखो सामान सस्ता है, आपको भी पता है। तो ये सलमान भाई हमारे साथ, अभी गाड़ी को लेके चलते हैं और ड्राइव करते करते थोड़ी बातचीत आगे चलती रहेगी, बने रहिएगा वीडियो पे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं, ये हमने लगा दिया है इसको ड्राइव मोड पे। मेरी जान, जो पावर स्टीयरिंग है भाई साहब अलग ही लेवल का वर्क कर रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे के देखते हैं इस गाड़ी में भाई, 800 cc के हिसाब से पिकअप काफी शानदार है और ये 3 गियर के साथ आती है, मतलब 3 गियर के 3 स्पीड गियर बॉक्स है इसके अंदर, ऐसा नहीं है अब दूसरा गियर लगा है, तो फील होता है वो चीज। मैं शीशा थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि आपको आवाज आराम से आ सके। 60 पे पहुंच गया बहुत इजीली। ले भाई ब्रेक का भी टेस्ट हो गया, एकदम मक्खन एकदम गाड़ी कंट्रोल में हो रही है। और बाकी चीजों की अगर मैं बात करूँ तो 800 में देखो पावर स्टीयरिंग नहीं था तो उससे काफी फर्क पड़ रहा है। सस्पेंशन मस्त है, 3 लोग बैठ के, तो तीनों हम मजबूत लोग हैं, मतलब मेरे अंदर 100 किलो है, सलमान भाई आप में कितना वेट है? 65 और 65 भी लगभग भाई में है, तो आराम से इसमें 200-250 किलो वेट है अभी, मतलब फुल्ली लोडेड होके चल रही है और कंट्रोल में फील हो रही है। पावर स्टीयरिंग बहुत मजेदार है इसका। ये एल वाला जो दे रखा है ये किस लिए है? ये पहाड़ों पे, जब पहाड़ पे जाते हैं ना हम गाड़ी लेके, अच्छा। तो उसमें लो वाला गियर लग जाता है ना, तो फिर ये किसी कैसी भी चढ़ाई हो रुकती नहीं है। अच्छा लो वाला भी यहाँ पे दे रखा है, एक बार मैं इससे कहूँ, अगले दिखाना भाई एक बार ही। तो अगर यहाँ पे आप इसका पूरा गियर बॉक्स मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो देखे P4 पार्किंग है, R से रिवर्स है, N से न्यूट्रल है और ये ड्राइव मोड है। और इसमें गाड़ी में आपको लो भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर में होता है ना, जैसे ट्रैक्टर में होता है कि लो वाला गियर लगा दो तब अच्छे से चलेगी, तो वही सिस्टम कुछ यहाँ पे भी दिया गया है। भाई बहुत ही मजा आ रहा है इसको चलाने में, जलन हो रही है सलमान भाई से मेरे पास क्यों नहीं है। तो सलमान भाई जी, पावर स्टीयरिंग का कहां से आइडिया आया था कि भाई इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग इंस्टॉल कर लेते हैं? पावर स्टीयरिंग का आइडिया मुझे अपनी गाड़ी से आया, मेरी गाड़ी में पावर था, मैंने सोचा इसमें भी क्यों ना हो, मैंने सोचा चाहे कितना भी खर्चा आ जाए मैं पावर स्टीयरिंग करा के रखूंगा। और ये पावर ब्रेक वाला जो आया था, मतलब पहले सादे ब्रेक आते थे? हां पहले सादे थे, ना थोड़ा अजीब सा लगता था, फिर मैंने सोचा ब्रेक भी पावर करा दूं। भाई वाह। अच्छा सलमान भाई एक चीज पूछनी थी आपसे, आप इसको लेके जाते हो कहीं, मतलब दूर दूर लंबे लंबे ट्रिप मारे हैं कहीं के? नहीं लंबे ट्रिप तो नहीं, बाकी लोकल में मैंने इसको खूब चलाया है, लंबे बस 30-35 अराउंड में इसको चला लेता हूँ किलोमीटर। अच्छा लॉन्ग रूट पे मैं ऐसे इससे कभी गया नहीं हूँ। और ये ना मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो इसका पावर स्टीयरिंग पकड़ने में बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई छोटी सी प्लेट पकड़ रखी हो, इतने छोटे स्टीयरिंग की गाड़ी मैंने तो आज तक नहीं चलाई है कोई भी। देखो स्पोर्ट्स कार आती है उनमें ही ये चीजें इंस्टॉल कराई जाती है और ये लीगल भी, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज इलीगल भाई ने करा रखी है। हॉर्न सुन लीजिए भाई आप इसके, आगे आप देखना चाहेंगे क्या आगे हमारे सामने, दिखाओ भाई एक बार बाहर तो ये हिंदुस्तान की सड़कों पे जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक से ही गाड़ी रुके। तो और कोई इसकी खास बात सलमान भाई आपके मन में आ रही हो? और कुछ लोगों के दिल में ये वहम रहता है कि ऑटोमेटिक बाहर से कराई हुई है। हाँ ये कंपनी फिटेड ही, मैं अभी लास्ट टाइम नैनीताल गया था घूमने तो वहाँ पे एक मारुति 800 वाले भैया थे, मैंने उनसे बुक किया था क्योंकि पहाड़ी पे तो ये छोटी गाड़ी चढ़ती है, मैं बड़ी लेके गया था। हाँ हाँ। तो मुझसे कहने लगे कि काफी हमारे दोनों का बहस हुआ कि नहीं ऑटोमेटिक आती नहीं है, आपने वो बोले कि बाहर से कराई होगी, मैंने कहा नहीं भाई ये कंपनी से ही है। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ ये कंपनी फिटेड ही ऑटोमेटिक है, कोई बाहर से इसमें ऑटोमेटिक का काम नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात बताइए, मैंने भी जब रिसर्च किया ना इस बारे में, एकदम ऐसे अपनी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए लोगों को कि भाई आती नहीं होगी, हमने फिर इसका जब आपके पास देखी ये गाड़ी
मैं खुद रिसर्च किया तो अभी इंडिया में मेरे ख्याल 3 गाड़ियां बची हुई हैं आपकी इंक्लूडिंग करके। तो एक वेबसाइट पे डाला था कि ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है मारुति 800 के, और हो सकता है मारुति वाले भी आपको अप्रोच करें इस चीज के बारे में, गारंटी से करेंगे, क्योंकि एक गाड़ी और है कहीं पे रेड कलर की, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट एक आपके पास है और एक और कहीं पे बता रखा था उस वेबसाइट के अंदर में। अच्छे से मेंटेन की हुई है, हाँ इतने अच्छे वाली नहीं मिलती। भाई खर्चा आता है इन चीजों में, लोग समझते हैं कि ये वो होगी नहीं, खर्चा कर दोगे सब कुछ कर दोगे, पर जो ओरिजिनल कंपैटिबिलिटी होती है ना गाड़ी के गियर बॉक्स की और इंजन की, वो अलग ही मजा देते हैं। मेरे ख्याल इतना चलाना बहुत है, अभी वापस चलते हैं सलमान भाई हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको दिखाई एक स्पेशल मारुति 800, और सलमान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, आपने हमें अपनी गाड़ी चलाने का मौका दिया और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। अभी तक हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं फॉलो किया है तो सर्च कीजिए द मोटोजिप, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना